जी, आयुर्वेद की जो स्वस्थ, मतलब किसको हम आरोग्य पूर्ण कह सकते हैं, तो ये कहा है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यपि दीयते। तो दोष जो है वो तीनों एनर्जी के सोर्स हैं। जो हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति ये सृष्टि का एक छोटा स्वरूप है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसे पूरी सृष्टि पंच महाभूतों से बनी है, तो हमारे शरीर मन और आत्मा, वो जो शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना है, वो उसी का ही एक छोटा स्वरूप है। हमारे शरीर में भी पंच महाभूत है। तो शरीर में जो सृष्टि के अंश जानने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन, ये दोष है। जैसे कि पृथ्वी और आप जो संयोजन, एनाबॉलिक जो स्रोत है, सबको पकड़ने वाला, जीवन देने वाला, धरने वाला, तो ये जो संयोग करने वाली जो एनर्जी है उसको कफ कहते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे सोलर एनर्जी है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से दूसरे में परिवर्तित करना, मेटाबॉलिज्म पचाना, मेटाबॉलिज्म करना, जैसे सूर्य से ही सभी फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एनर्जी स्रोत है उसको पित्त कहते हैं। दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग, हॉट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी। और जितनी भी गतिविधियाँ, मूवमेंट्स हैं, इम्पल्स है, न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स, हार्ट से लेके पलकों का उन्मिलन निमेश, या हमारा हाथ पैरों का चलना, या अन्न व स्रोतों की जितनी जितनी मूवमेंट शरीर में है, ये मूवमेंट का जो स्रोत है उसको वात कहते हैं। तो ये तीनों एनर्जी, मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय, कोहिजन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों को वात पित्त कफ कहते हैं। ये तीनों जब बैलेंस होता है इसको हम स्वस्थ कहते हैं।